अररिया की एक महिला को कुछ लोगों ने डायन बताकर पहले हाथ पैर बांधा, फिर उसके बाद पीटा और नहीं हुआ तो उसे निर्वस्त्र भी कर दिया गया। क्रूर भीड़ द्वारा इस घटना को बीते गुरुवार को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला को अपनी आवाज बढ़ते और बदलते बिहार के वीआईपी प्रशासनिक सिस्टम तक पहुंचाने में 3 दिनों तक थाने का चक्कर लगाना पड़ा और फिर उसके बाद सोती पुलिस हरकत में आई। राजधानी पटना से महिलाओं से छेड़खानी और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप अपराधी शिव गोप पर लग रहा है। शिव गोप ने 3 महिलाओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की है। घटना जखनपुर थाना इलाके की है। महिलाओं ने शिव गोप के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आज पटना में 15वें वित्त आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। आयोजन के दौरान देश के सबसे पिछड़े राज्यों और जिलों की विकास चुनौतियों पर हुआ विचार विमर्श। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने नीति आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आयोग के कॉन्सेप्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग के कामकाज का तरीका अब तक समझ में नहीं आया है। नीति आयोग बड़ी बड़ी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जबकि उसका काम तो गांव के स्तर पर होता है। मुंगेर में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले AK-47 के पार्ट्स। AK-47 के पार्ट्स 2 फुट जमीन खोदकर प्लास्टिक के पैकेट में छिपाकर रखा गया था। राजद नेता शिवानंद तिवारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज। कहा, चुनाव सबकी याद दिला देता है और चुनाव की घंटी अब बज चुकी है तो घंटी बजते ही नीतीश जी को कुशवाहा समाज की याद आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कुशवाहा समाज के साथ बैठक की थी जिसके बाद राजद नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन शर्त यह है कि वे शादी तभी करेंगे जब उनकी पार्टी RJD चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अपनी शादी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि शादी लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे, नहीं तो हनीमून पर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। पटना सिटी SP रविंद्र कुमार और SSP के नेतृत्व में मनेर के रामपुर दियारा के पास पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की। इस छापेमारी में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 20 नाव को भी जब्त किया गया।